हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं सावन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। सभी लोग जो देवघर जाते हैं, भगवान भोलेनाथ कैसे अपना चरण वहाँ पर रखे हैं और कैसे वहाँ पे लोग जाते हैं दर्शन करने, तो भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे रहते थे और उनका घर आसन वासन वही था। दोनों बड़े बड़े प्रेम पूर्वक कैलाश पर्वत पे रह रहे थे और जो रावण था, रावण भगवान भोलेनाथ के शरण में पहुंचा। रावण एक ब्राह्मण थे, सच्चे भक्त और अच्छे भक्त भगवान के थे, पूजा पाठ से सबको प्रसन्न करके और अपने बस में करके रखते थे। तो भगवान के पास पहुंचे रावण और रावण जाके भोलेनाथ के शरण में अर्जी लगा दिए और उनके समाधि में लीन हो गए। कुछ नहीं बोलने चालने लगे, चुपचाप भगवान को ध्यान लगा लिए। कई दिन बीत गया, कई महीना बीत गया। भगवान कहते हैं कि बोलो, तुम्हारे पूजा पाठ भक्ति से हम प्रसन्न हैं, क्या कहना चाहते हो? तो रावण कहते हैं कि हे भगवान, मैं अपना घर आपको ले जाने आया हूं, आप मेरे घर चले। पार्वती कहते हैं कि नहीं महाराज जी, हम आपको नहीं जाने देंगे। आपने मेरे लिए सोने का राजमहल बनवाया और इसके पिता ने दान में मांग लिया। मैं एक भिखारन की तरह पर्वत पे रहता हूँ और यदि आपको लेकर चला जाएगा तो हम कैसे अकेले रह सकते हैं? ऐसा नहीं होने देंगे। आप यदि चल जाइएगा इस पापी के हाथ में तो संसार में प्रलय आ जाएगा। रावण तो तपस्या से अपना भगवान को प्रसन्न कर लिया था, भगवान तो बेबस थे, लेकिन फिर भी जाने को लिए तैयार नहीं थे। बड़ी कहने पर तैयार हुए कि तो ठीक है, चलेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त होगा, वो शर्त से तुम्हें हारना नहीं है। रावण बोले कि हाँ महाराज, आप जो कहे वही पर मेरा मंजूर है। भगवान तो ये बात सुनकर विष्णु जी कांप उठे कि ये क्या, यदि महादेव को लंका लेकर चला जाएगा तो ये परलय आ जाएगा। महादेव जी कहते हैं कि रास्ते में मुझे रखना नहीं कहीं, यदि रख दोगे तो हम वहीं रह जाएंगे, हम कभी जाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं। रावण बोले कि तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं रखेंगे कहीं नहीं। गुरु भाई बहना, भगवान जाने के लिए तैयार हो गए कैलाश पर्वत से। तो जो माता पार्वती पूजा करते थे जिस शिवलिंग को, उसी शिवलिंग को रावण उठा लिया अपने कंधे पर लेकर चल दिया। कंधे पे उठा बे रावण ने शिवलिंग के, उठा बले जी ले चल ले लंका के ओर नरे की।
रहिया चलाता चालत लागा, ले पियासी आजी लागा, ले पियासी आजी। गंगा न गए लन समाई अरे की, पेटवा में खलवल खलवल करथिन, गंगा माई आजी करथिन, गंगा माई आजी। विष्णु न रचना दिलन रचाई अरे की, हुआस चल ले ब्राह्मण चल ले, ले शिवलिंगा वाजी ले शिवलिंगा वाजी। गंगा न गए ले समाई नरे की। गुरु भाई बहना, रावण चलते 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 देवघर नगरी में पहुंचे तो बड़ी जोर से प्यास लग गया, और जब प्यास लग गया तो ये पानी पीने लगे, तो पानी पीते पीते इनका गंगा समा गए, अंदर में चले गए। विष्णु का रचना सब। अब रावण का बड़ा जोर से प्यास लग गया, और जब प्यास लग गया गुरु भाई बहना, तो रावण सोचते हैं कि मैं कहाँ रखूँ इस शिवलिंग को, यदि कहीं भी रख देंगे तो यहीं रह जाएगा, ये तो जैवे नहीं करेगा, ये तो भारी फेरा हो गया। चारों तरफ निहारने लगे तो एक गौ चरवाहा मिला, बैजू उसका नाम था, बैजू उसका नाम था। वो मिले तो आवाज देते हैं कि सुनो, यहाँ ग्वाला पुत्र सुनो। तो ग्वाला पुत्र आया तो कहता है कि क्या, तो मेरा इस शिवलिंग को पकड़ो, रखना नहीं। रावण जो थे लघु शंका करने लगे, अब लघु शंका करने लगे तो उनका में तो गंगा मैया प्रवेश कर गए थे, तो उनका लघु शंका रुकता कैसे, लघु शंका नहीं रुका। वो हो रहा है जो हो रहा, एक खाई बन गया, एक तालाब भर गया। लेकिन आज भी बाबा धाम जो जाते हैं उसी में पहले लोग स्नान करते हैं, उसके बाद जल उठाते हैं, उसको पवित्र माना गया है। सतयुग में ऐसा हुआ था और आज तो पवित्र माना गया है। अब जो ये बेचारा शिवलिंग लिए हुए थे वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण अब मुझसे सहा नहीं जाएगा, रख दिए शिवलिंग के। थर थर कापे रामा ग्वाला, ले शिवलिंग वाजी ले शिवलिंग वाजी। बजना न भैले किलो हजार नरे की, कैसने पथरवा रामा दिहले, मुर धराई ए जी दिहले, मुर धराई ए जी। थर थर कापे मोर हाथ नरे की, बेचारा पछता रहा है कि कैसा कितना भारी पत्थर मुझे दे दिया है, मेरा हाथ कांप रहा है। गुरु भाई बहना, ये जो बालक था वो धर दिया शिवलिंग को। अब रावण उधर से आए तो कहने लगे कि ये क्या किया, भगवान को उठाने लगे तो उठने नहीं लगे। तो रावण एक मुक्का मार दिए कसके, जो महादेव जमीन में चले गए, जमीन में चले गए और बाहर नहीं दिखाई दिए। कहते हैं कि कभी यहाँ तू नजर नहीं आना, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं गया है तो यहाँ लोग को भी मत दिखाना। तो भगवान जो है वहाँ जमीन में। गुरु भाई बहना, ये तो विष्णु का चाल था, विष्णु ऐसा चाल चल दिए थे, विष्णु चाल चल के और ये सब रचना रचे। महादेव वही रह गए, अब रावण चले गए अपना राज में। गुरु भाई बहना, ये जो बैजू था उसको पूजा पाठ भक्ति कोई पसंद नहीं था। उसका एक गाय थी,
बेचारा ग्वाला प्रतिदिन गाय चराने जाता था। उसका गाय थी गुरु भाई बहना, तो एक गाय उसे 5 धार दूध अपना भगवान शिवलिंग पे चढ़ाती थी। एक वाला देखता था बच्चा कि अरे मेरा गाय कहाँ जाती है, क्या करती है मेरा गाय। तो गाय तो अपना दूध भगवान पे चढ़ाते थे। ये देखकर ग्वाला को बड़ा दुखी हुआ और हाथ में एक डंडे लिया और जाके प्रतिदिन भगवान को 5 डंडा मारने लगा। कभी भी जाता था तो प्रतिदिन उसको 5 डंडा मारना जरूरी था कि तूने मेरा गाय का दूध पी जाता है। भगवान को उसका मार से कोई दुख नहीं था। बार बार उसको मन में ख्याल आता था कि आज मारे हैं कल भी मारेंगे। तू महादेवा मेरा गाय का दूध पीता है, अच्छा है। एक दिन का बात है कि कहीं रिश्तेदार की यहाँ बैजू चला गया था और वहाँ खाने के लिए बैठा, और जब खाने के लिए बैठा गुरु भाई बहना तो उसे याद आया कि अरे मुंह में खाना खाने जा रहे हैं, मारे नहीं हैं। एक डंडे उठाया और जोर जोर से दौड़ने लगा। उसे कहने लगे लोग कि भाई कहाँ जा रहे हो, खाना तो खा लो। लेकिन किसी का बात नहीं सुना, अनसुना कर दिया और जाके भगवान को 5 डंडा लगातार मारा। लगातार मारा तो भगवान प्रकट होकर कहते हैं हहाते हुए हंस के कि वाह तुम मेरा सच्चे भक्त हो जो कभी नहीं भूलते हो। अरे कोई तो पूजा करके प्रसन्न करता है लेकिन तूने मार के प्रसन्न कर लिया। मांगो हम तुम्हें कुछ वरदान मत देना चाहते हैं, कोई वरदान मांगो। ये कहता है कि क्या वरदान मांगे, अरे अपने तो पर्वत पहाड़ी पे आके बस गया है, हम तुमसे क्या वरदान मांगे। बोले कि वरदान मांग लो हम तुम्हें देंगे। भगवान कहते हैं कि हम तुम्हें अवश्य देंगे। बोले कि ठीक है वरदान में मुझे यही दे दीजिए कि पहले हम पीछे आप, पहले बैजू पीछे धाम, तब आपका नाम। बोले कि ठीक है पहले आप ही का नाम, तुम्हारा नाम लिया जाएगा तभी मेरा नाम लिया जाएगा, और जो भी आएंगे मेरा पूजा अवश्य करेंगे। ऐसा बात सुनकर भगवान भी प्रसन्न हो गए, भगवान ही अभी आशीर्वाद दे दिए। और उसी दिन से देवगढ़ में भगवान का जल चढ़ने लगा, भगवान का पूजा पाठ होने लगा। गुरु भाई बहना जो भी देवगढ़ जाते हैं सच्चे मन से हृदय से जल चढ़ा के जो बेलपत्र चढ़ाते हैं वो बेलपत्र उठाकर और वापस लेकर उसे प्रेम पूर्वक बेलपत्र को खा के और भगवान से विनती करे कि हे भगवान मेरा ये दुख है, मेरा दुख को हरण कर लीजिए, मेरा पुत्र नहीं है पुत्र दे दीजिए, तो भगवान उसे हर दुख दूर कर देंगे और भगवान उसे जो मांगेंगे वो भगवान अवश्य देंगे। कोई देर नहीं करते हैं क्योंकि जो सच्चे मन से सच्चे हृदय से भगवान के शरण में आज भी जाते हैं भगवान उनका लालसा पूरा करते हैं। देवघर में भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो जाते हैं, किसी रूप से ना किसी रूप से अपने भक्त को दर्शन दे देते हैं। भक्त उनका भक्त पहचान नहीं पाता है लेकिन भक्त का दर्शन जरूरी देते हैं। गुरु भाई बहना जो भी वहाँ जाते हैं बेलपत्र यदि वहाँ से लाएं तो उससे बड़ा कोई खुशी नहीं, उनका हर मन्नत पूरा हो जाएगा। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके और लाभ उठाएं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ जरूर लिखें, जिसमें कि मैं आपका नाम का भगवान के शरण में अर्जी लगा सकूं, आपके लिए दया मांग सकूं।
और आपकी सारी मन्नतें पूरी हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।